सार्गेसो सागर किस में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में। टाइमर स्टार्ट हो गया, अपना आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा एक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, नेक्स्ट आपका बेरिंग जल संधि, और फिर नेक्स्ट आपका है हडसन जल संधि। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, अब बताएं आंसर कौन से इसका आंसर होगा। टाइमर स्टार्ट है, 10 सेकेंड चलेगा टाइमर। अब अपना आंसर बताएं, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका एक होगा, डेविस जल संधि। जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जल संधि जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? श्रीलंका, चीन, और नेक्स्ट है आपका कोरिया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, अब देखिए टाइमर के बाद, टाइमर आपका चल रहा है, आप आंसर देने की कोशिश करें कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है? तो टाइमर जो चल रहा है आपका 10 सेकेंड है, 10। तो इसका आंसर जो होगा आपका 3 होगा, कोरिया। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर, दूसरा ऑप्शन है मृत सागर, तीसरी ऑप्शन जो आपका है भूमध्य सागर। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टाइम आउट। इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा सेकेंड, मृत सागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर, नेक्स्ट आपका प्रशांत महासागर, आपका नेक्स्ट थर्ड है अटलांटिक महासागर। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है 10 सेकेंड का। तो अब आंसर देने की कोशिश करें कि आपका आंसर कौन सा होगा, है ना? तो फिर टाइमर स्टार्ट हो गया है, 8, 9, 10, टाइम आउट। इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2, प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? पहली ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, दूसरी ऑप्शन जेम्स की खाड़ी, तीसरी ऑप्शन आपकी है हडसन की खाड़ी। गहरी खाई नहीं, गहरी खाड़ी हो गई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, 7, 8, 9, 10, आपका टाइम आउट। इसका आंसर जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर 3 होगा, हडसन की खाड़ी। सुनामी का कारण बन सकता है, पहला ऑप्शन ज्वालामुखी, दूसरी ऑप्शन तूफान, तीसरी ऑप्शन आपका हो जाएगा भूकंप। तो आपका टाइमर स्टार्ट, 2, 3, 4, आंसर देने की कोशिश करें, 10 सेकेंड का रहेगा आपका, 10 सेकेंड का आपका रहेगा। तो आपका टाइम आउट हो गया, 10 सेकेंड हो गया। तो इसका जो आंसर होगा 3 होगा, भूकंप। अल नीनो क्या है? पहला ऑप्शन जो है एक गर्म महासागरीय धारा है, दूसरी है उष्णकटिबंधीय अव्यवस्था, तीसरी ऑप्शन है समुद्री तूफान। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है 10 सेकेंड का, आप आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा आपका, टाइमर आउट होने के बाद बताया जाएगा। तो कोशिश करें, आपका टाइम आउट हो गया, इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा एक गर्म महासागरीय धारा। कौन सा महासागर जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा की जलधारा, दूसरी है अगुलहास की जलधारा, तीसरी जो है आपका किनारे की जलधारा। तो इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है, पिछले क्लास में बता रखे हैं, ज्योग्राफी में क्लास हो रखा है जलधारा के बारे में, अब जो क्लास में पढ़े होंगे उनको वो तो आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका हो जाएगा आपका 2, अगुलहास की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? क्यूरेसियो की जलधारा, दूसरा ऑप्शन है किनारे की जलधारा, तीसरी जो ऑप्शन आपका है कुरील जलधारा। तो आपका टाइमर 10 सेकंड का फिर स्टार्ट हो गया, आंसर देने की कोशिश करें, 10 सेकंड होगा, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, टाइम आउट। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका होगा 1, क्यूरेसियो की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी जलधारा है? ब्राज़ील की जलधारा, दूसरी ऑप्शन आपका है गल्फ जलधारा, तीसरी ऑप्शन है फाकलैंड की जलधारा। आपका टाइमर फिर से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका टाइम आउट। इसका करेक्ट जो आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा? 3, फाकलैंड की जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? हम्बोल्ट की जलधारा, दूसरी ऑप्शन आपका है लेब्राडोर की जलधारा, तीसरी आपके ऑप्शन है क्यूरेसियो की जलधारा। तो आपका टाइमर फिर स्टार्ट हुआ, अब टाइमर का वेट कीजिए 10 सेकेंड, आपका तब तक आंसर सोच लीजिए आपका आंसर क्या होगा। 7, 8,
नौ दस, टाइम आउट। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सी होगी, थ्री, क्यूरेशिया जलधारा। कौन सा महासागर एस आकार का है, प्रशांत महासागर, दूसरे ऑप्शन आपका अटलांटिक महासागर, तीसरी ऑप्शन आपकी जो है वो है भूमध्य सागर। तो आपको आंसर देना है, टाइमर आपका स्टार्ट फिर से हो गया, आप क्लिक करें, दिमाग में सोचें कि आपका क्या आंसर क्या होगा। तो आठ हो गया, नौ दस, टाइमर आउट। और इसका आंसर जो होगा वो आंसर दो, अटलांटिक महासागर। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन आपका बोलीविया, तीसरा ऑप्शन आपका है यूएसए। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइमर स्टार्ट हो गया, सोचिए क्या होगा, छः सात आठ नौ दस, टाइम आउट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री, यूएसए।